नेश का और हार्दिक पटेल का, दोनों में से किसी का नहीं कर पाई। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ब्रिश जी। आप देखिए 2015 से जो आंदोलन शुरू हुआ, सबसे पहले हुआ पाटीदार अनामत आंदोलन ना, उसके रिफ्लेक्शन या खैर ये उसके प्रतिभाव या प्रत्याघात के तौर पे शुरू हुआ अल्पेश ठाकुर का आंदोलन, जिसको ओएसएस एकता मंच का नाम दिया गया, और उसके तुरंत बाद जो है जिग्नेश मेवाणी का दलित आंदोलन शुरू हुआ, ऊना दलित जो कांड हुआ उसके उसको लेकर। अब 2017 जब चुनाव हुए गुजरात के, तब तक तो ये सब आंदोलन जो है बड़े पूर्ण जोश में चले, और उसके बाद ये तीनों लोग जो है वो सक्रिय राजनीति में आए। हार्दिक पटेल जो है वो क्योंकि चुनाव नहीं लड़ सकते, आप कुर्सी मत छोड़ा करिए भाई, बार बार हमें करना, खाली कुर्सी नहीं रखते इसमें। उनकी जो उम्र थी वो उम्र उतनी थी उतनी नहीं थी जो चुनाव लड़ सके, और अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी लड़े। अब देखिए 2017 के बाद जो है वो अल्पेश ठाकुर तो हालांकि अपने ही गलतियों के कारण जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापस आने के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी ये दो ऐसे आंदोलनकारी नेता, आंदोलन से निकले हुए नेता थे। जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस ने शुरुआत के दौर में दलित चेहरे के तौर पर जो है देश भर में प्रस्तावित करने के लिए, कांग्रेस में तो नहीं थे, कांग्रेस के बाहर जो खुद अपने अपक्ष के तौर पर जो थे, जिग्नेश ने अपने आप को एक कोशिश की, और उसके बाद तो उसने ये ठीक समझा, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, वो पहले पत्रकार हुआ करते थे, अगर आप किसी को मालूम न हो तो बता दूं मैं, जिग्नेश मेवाणी पहले पत्रकार हुआ करते थे और फिर बाद में वो एक्टिविस्ट हुए और फिर ये हुए। तो ना उनका, अब देखिए जिग्नेश के बारे में ये नहीं कह सकते क्योंकि जिग्नेश अभी अभी जुड़े हैं कांग्रेस से, लेकिन हार्दिक पटेल जो है वो तो 2017 से कांग्रेस में ही है और कार्यकारी अध्यक्ष है वो। अब देखिए 2017 के बाद हार्दिक पटेल ने खुद ने कितनी एक्टिविटी दिखाई या कितना सक्रियता से उन्होंने गुजरात के कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, अगर आप ढूंढेंगे आपको मिलेगा नहीं उतने कुछ, ना कार्यक्रम मिलेंगे, ना कोई आपको आंदोलन मिलेगा, ना उनकी कोई उपस्थिति मिलेगी गुजरात में आपको, और ना ही कांग्रेस की ओर से उनको उपयोग उनका उपयोग हो ऐसी कोई स्थिति भी आपको मिलेगी। हालांकि मुद्दे बहुत सारे थे, मुद्दे गुजरात में आप देखिए जब से मैं तो मतलब मैं 25 साल से कवर कर रहा हूं और कांग्रेस 30-32 साल से नहीं है गुजरात में, लेकिन फिर भी मुद्दे इतने सारे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व तो बड़ा सक्षम नेतृत्व तो न होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है दिन ब दिन मतलब चुनाव दर चुनाव वो उनकी उसकी स्थिति मजबूत हुई है, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन इसका जो उपयोग होना चाहिए था ना कांग्रेस ने किया है, ना हार्दिक पटेल ने खुद अपने आप एक कहते हैं ना कि इनिशिएटिव लेके आप जब कुछ करते हैं, अभी आप आंदोलन से निकले हैं, आप काफी एक्टिव हैं, एक्टिव रहे हैं, तो आपका खुद का अपना एक रोल होना चाहिए था कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, वो ना उन्होंने किया ना इनसे ये काम करवाया गया, ये बात सही है। बिल्कुल सभा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप बड़े करीब से